नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। एकजुटता के हुंकार 2024 में मोदी को हराने के लिए विपक्ष के 15 दलों ने पटना से भरी एकजुटता के हुंकार। बोले राहुल गांधी, विचारधारा की लड़ाई में हम एक साथ अगले महीने शिमला की बैठक में फाइनल रणनीति पर लगेगी मुहर। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं विपक्षी पार्टियों के संयोजक। सभी पार्टियों के बीच समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात पर भी हुई चर्चा। पटना में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज का तंज, सुना है काट की हांडी फिर चढ़ी है। पटना में विपक्ष की एकजुटता पर भाजपा के दिग्गजों ने कसा तंज। अमित शाह ने कहा, पटना में हो रहा है सिर्फ फोटो सेशन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का तंज, कांग्रेस ने लालू और नीतीश को भेजा था जेल। पटना में विपक्षी एकजुटता के बीच पश्चिम बंगाल में आमने सामने कांग्रेस और टीएमसी। अधीर रंजन चौधरी ने बताया, टीएमसी चोरों की पार्टी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी कसा तंज। भारत और अमेरिका के बीच 5 अहम रक्षा सौदे पर हुए हस्ताक्षर। अमेरिका भारत को देगा प्रीडेटर ड्रोन। बोले पीएम मोदी, भारत जल्द बनेगा तीसरी आर्थिक महाशक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में एक जनसभा में कहा, 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थी यूपीए सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण 42,000 लोगों की मौत का जिम्मेदारी कौन लेगा। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 4 आतंकवादियों को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश नाकाम। AIMIM नेता सदुद्दीन ओवैसी ने साधा विपक्ष की बैठक पर निशाना। कहा, उस बैठक में शिवसेना है, क्या वे सेक्युलर हो गए? उस बैठक में नीतीश कुमार हैं, जो NDA की तरह से मुख्यमंत्री थे। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री मोदी बने, लेकिन इन पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। विपक्षी एकजुटता के बीच आम आदमी पार्टी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस को अध्यादेश पर रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस अध्यादेश पर बयान देने से कतरा रही है। कांग्रेस संविधान बचाने के लिए खड़ी है या भाजपा के साथ? वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। लालू यादव की कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह, अभी समय नहीं बिता है, उन्हें जल्द शादी कर लेनी चाहिए। दाढ़ी मत बढ़ाइए, राहुल शादी करे तो वे भी बारात ले जाएंगे। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। 22 जिलों में घुसा बाढ़ का पानी, करीब 5 लाख लोग प्रभावित। तमिलपुर में कुमारिकट्टा में बहा पुल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने साथ भाजपा पर निशाना। कहा, उनके सभी विरोधों का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं कि कृपया अपनी पार्टी का घोषणा पत्र निकालें और जो भी वादे किए थे पहले उन्हें पूरा करें। कहां है काला धन, कहां है रोजगार? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भाजपा का एक मंडल कार्यालय जलकर खाक। आग को इलाके के स्थानीय पार्टी समर्थकों ने दमकल की मदद से बुझाया। विधायक शंकर घोष का आरोप, पार्टी को इस कार्यालय को हटाने के लिए विभिन्न हलकों से धमकियां मिल रही थी। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में QR कोड वाले सियासत की एंट्री। भोपाल में लगे QR कोड वाले पोस्टर में कमलनाथ को बताया वॉन्टेड। कांग्रेस ने पोस्टर के पीछे बताया भाजपा का हाथ। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्शन का आपत्तिजनक वीडियो वायरल। वीडियो में नाबालिग लड़कियों को गलत तरीके से छूते नजर आए। कांग्रेस ने साधा निशाना। छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा। इस्तीफे में छुट्टी नहीं मिलने का दिया हवाला। बैतूल की अमला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें थी। शेयर बाजार में दूसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 260 अंक फिसलकर 62,979 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 106 अंक गिरकर 18,666 अंक पर हुआ बंद। संजय दत्त ने भी मारी क्रिकेट की दुनिया में एंट्री। एक्टर ने आगामी जिम्बाब्वे एफ्रो T10 लीग में हरारे हरिकेन नामक टीम खरीदी। संजय दत्त और सोहन रॉय होंगे टीम के संयुक्त मालिक। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान अब OTT पर Zee5 पर शुरू हुआ स्ट्रीमिंग। इस साल ईद पर रिलीज हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई थी खास प्रदर्शन। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।